भले ही पहाड़ की सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से हाशिए पर हों और यहां के सरकारी अस्पताल केवल रेफर सेंटर बनकर रह गए हों, लेकिन रुद्रप्रयाग जनपद में पिछले 3 दशक से बोरा नर्सिंग होम के डॉक्टर आनंद बोरा असल मायनों में यहां के मरीजों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह से बचाने वाले डॉक्टर बोरा ने एक बार फिर से ऐसा ही करिश्मा करके डॉक्टर की उस परिपाटी को सार्थक किया है जिसमें उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। तस्वीरों में आप जिस गोले को देख रहे हैं ये कोई फुटबॉल नहीं है, बल्कि ये गोला 56 वर्षीय सुशीला देवी के बच्चेदानी से निकला हुआ 10 किलोग्राम का रसौली यानी कि एक किस्म का ट्यूमर है, जिसे डॉक्टर आनंद बोरा द्वारा 3 घंटे के सफल ऑपरेशन के बाद निकाला गया। रुद्रप्रयाग के चोपता कुंडा के हालातों की मारी सुशीला देवी ने जब भारी पेट दर्द की शिकायत की और कई सरकारी अस्पतालों में उन्हें दिखाया गया तो वहां पर भी उनका इलाज नहीं हो पाया, जिसके बाद मरणासन स्थिति में पहुंच चुकी थी, तो अंततः डॉक्टर बोरा के पास उन्हें ले जाया गया। जब ऑपरेशन के जरिए महिला की बच्चेदानी से 10 किलोग्राम का ट्यूमर निकाला गया तो सब हैरान रह गए। हालांकि डॉक्टर बोरा के लिए कोई नई बात नहीं थी, इससे पहले भी उन्होंने 20-20 किलोग्राम तक के इस प्रकार के ट्यूमर निकाले हैं और सैकड़ों लोगों को नया जीवन दिया है। ये महिला हमारे पास कुछ समय पहले आई थी और इसके पेट में दर्द था, इसके ट्यूमर की वजह से आंतें भी बंद हो गई थी और ये खा नहीं पा रही थी, उल्टी कर रही थी, बहुत दर्द था और कई जगह दिखा दिया था इसने। तो उसके बाद मैंने इस मरीज का जांच की, जांच करने पर यह पता चला कि यह जो ट्यूमर था ये बच्चेदानी से निकलने वाला एक बहुत ही बड़े साइज का ट्यूमर था। अमूमन ये देखा गया है कि ज़्यादातर ट्यूमर जो होते हैं वो ओवरी से निकलते हैं, यह खुद यूट्रस से निकलने वाला बहुत ट्यूमर था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो कल हमने इस पूरे यूट्रस को पूरा ट्यूमर सहित और आंतों से जहाँ चिपक भी गया था वो सब हटाकर इसका ऑपरेशन किया और उसको बड़े सुरक्षित तरीके से निकाल लिया है और यह मरीजा इस समय हमारे अस्पताल भर्ती है। इसको अभी 1-2 घंटे और चलाएंगे और मरीज स्वस्थ है और बिल्कुल ठीक स्थिति में है। दरअसल रुद्रप्रयाग जनपद के चोपता कुंडा गांव की 56 वर्षीय वृद्ध सुशीला देवी पेट में दर्द की शिकायत से कई दिनों से परेशान थी, लेकिन इलाज कहीं भी नहीं मिल पाया। इस महिला के पति फौज में थे, लेकिन मानसिक रूप से बीमार होने के कारण साल 1992 में उन्हें मेडिकल छुट्टी दे दी गई, जिनकी स्थिति में आज भी कोई सुधार नहीं हुआ। 4 वर्ष पूर्व सुशीला देवी के पुत्र और पुत्रवधू ने भी एक साथ आत्महत्या कर दी, जिससे कि महिला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऊपर से 2 अबोध नातिनों के लालन पालन की जिम्मेदारी भी महिला के सर पर आ गई। किसी तरह जीवन की गाड़ी को धकेल ही रही थी कि खुद के पेट में असहनीय दर्द हो गया। डॉक्टर बोरा द्वारा इसी हफ्ते करीब 10 ऑपरेशन इस प्रकार के किए गए हैं, जबकि इससे पहले अपने 3 दशक के करियर में उन्होंने सैकड़ों ऐसे ऑपरेशन किए और तीमारदारों को मौत के मुंह से बचाया। बोरा जी ने हमको बताया कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन हमने कहा कि आप कर सकते हैं, आपने किए हैं, तो उन्होंने हमारी भी राय लेके और ऑपरेशन सफल किया। रुद्रप्रयाग में बोरा जी भगवानी के रूप में, वो गरीब लोगों के हित में भी हैं और सराहनीय कार्य भी करते हैं। और मैं यहाँ पहले अपनी ताई को लाया था, उनको भी भगवान ने नया जीवन दिया। चाचा को लाया था, आँख फट गई थी, उनको भी बोरा जी ने बिल्कुल सहकुशल अच्छे काम कर रहे हो घर में। और अपनी माँ को भी लाया था, उनके भी बहुत बड़ा यहाँ एक ट्यूमर हो गया था, इसमें वो भी बोरा जी ने उनको बचाया रहा अच्छी स्थिति में। मेरी घरवाली को भी एक बार ऐसी स्थिति भी नहीं बचेगी, पर बोरा जी ने उनको नया जीवन दान दिया। बोरा जी हमारे लिए भगवान है। चिन्नगर में 3 दिन रखे, उसके बाद उनको यहाँ डॉक्टर है नहीं, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तुम देहरादून चले जाओ, इसके चले जाओ, तो फिर हमको मजबूरन यहाँ आना पड़ा। पहले भी आए थे, हमें यहाँ विश्वास है कि यहाँ पे अच्छा इलाज होगा, लेकिन हमें बोला चिन्नगर में चलो सरकारी है तो देखते हैं क्या करना, वो तो देख रहे हैं गरीब असहाय और हालातों के मारे मरीजों के प्रति डॉक्टर बोरा की आत्मीयता और जिम्मेदार रवैये की बदौलत वो मरीजों के लिए भगवान बने हुए हैं, और डॉक्टर बोरा को भगवान कहने में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं हो रही है। डॉक्टर बोरा की कुशल कार्यशैली से उन सरकारी डॉक्टरों को सबक लेना चाहिए जो कि मोटी मोटी पगार तो सरकार की लेते हैं, किंतु कमीशन के खेल में अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आते हैं। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।